दही वाले आलू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बड़ा बर्तन जिसमें हम आलूओं को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं 5 आलू, उन्हें मैंने पानी में भिगो दिया था, तो पानी की क्वांटिटी नहीं है, जितना भी पानी आप यूज़ कर सकती हैं क्योंकि ये पानी फेंकेंगे हम। और आलू की कटिंग किस तरीके से की थी, तो आलू को मैंने सेंटर में से हाफ़ किया था और फिर मज़ीद हाफ़ किया था, तो एक आलू के 4 पीस होंगे, वो मैंने इसके अंदर डाले हैं, बॉईल करें हैं। अब सादा अगर से आलू हम पानी में बॉईल करते हैं तो इतना मज़े का नहीं होता वो, अगर से आप इसमें मैं जो बता रही हूँ आपको नमक और मिर्ची डाल के आप बॉईल करेंगी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं आलू बॉईल होने के बाद भी। तो नमक मैंने जो है बॉईल करते वक्त 1 टीस्पून डाला था प्लेन, और हरी मिर्ची मैंने दी थी 2, बीजों समेत मैंने हाफ़ किया था दोनों मिर्चियों को, 4 पीस हो गए थे हरी मिर्चियों के, वो डाल के फिर मैंने ढक्कन ढक के आलूओं को बॉईल कर लिया था कम्प्लीट। तो इसी तरीके से आपको कर लेना है, ये मैंने आपको कम्प्लीट बता दिया है मैंने क्या किया था। और जब हम आलूओं को बॉईल कर लेंगे उसके बाद पानी फेंक देंगे, हरी मिर्ची भी फेंक देंगे और आलूओं को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमें चाहिए दोबारा से कढ़ाई जिसके अंदर हम दही वाले आलूओं का मसाला बनाएंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है ऑयल आइडिए से, आप 1/4 कप लीजिएगा लाजमी। और जब तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा 2 टीस्पून, ये साबुत ज़ीरा है, ज़रा सा भी भुना हुआ नहीं है। तेल के अंदर मसाले डाल के हम भूनेंगे, तो बगैर भुना ज़ीरा लेंगे। और उसके बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर हींग, ये हींग पाउडर है 1/2 टीस्पून। इसके बाद इसके साथ ही हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट 2 टेबल स्पून, ये फ्रीज हुई हुई है, जमी हुई है, इसकी गार्लिक है और 1 टेबल स्पून ही जिंजर है, यानी अदरक लहसुन की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम है। और डालने के बाद हम सब चीज़ों को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, भुनेंगे। जब ये सब चीज़ें भुन जाएंगी उसके बाद हम मज़ीद चीज़ें इसमें डालेंगे। तो देखें सब चीज़ें अच्छी तरीके से भुन गई हैं, इसके बाद डालेंगे इसके अंदर हम प्याज। तो प्याज जो है मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज़ की प्याज ली थी जिसे मैंने बहुत फ़ाइन चॉप कर लिया है, मोटा चॉप नहीं करेंगे इस रेसिपी में, प्याज को बहुत अच्छी तरीके से फ़ाइन यानी बारीक चॉप करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रही हैं। और इसके बाद हमें प्याज को फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हमें जो है प्याज को सॉफ्ट करना है, नरम करना है। तो थोड़ी सी देर के अंदर जो है प्याज नरम हो जाती है, इसी चमचा चलाती रहिएगा। यहाँ पर मैं सीम को कट कर रही हूँ, जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तब दिखाऊंगी आपको। तो देखें प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई है, कुछ इस तरीके की हो जाएगी, इस तरह से भी गोल्डन नहीं हुई हुई है। तो इसमें हम डालेंगे अब मसाले। तो मसालों में सबसे पहले हमें चाहिए इसके अंदर हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, पिसी हुई मिर्चें 2 टीस्पून प्लेन, नमक 1 टीस्पून। नमक और मिर्चें मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप लोग हमेशा रेसिपी के अंदर टू टेस्ट लिया करें, जितनी आप खाते हैं उतनी लिया करें। और इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर हम पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, और डाल देंगे इसके अंदर हरी मिर्चें 2। हरी मिर्चों के मैंने बीज निकाले हुए हैं और इन्हें बहुत मोटा काटा हुआ है। अब जो है हम मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे लो फ्लेम पर, यानी हल्की आग के ऊपर भूनिएगा मसालों को, ताकि मसाले जले नहीं। और जब मसाले अच्छी तरीके से भून जाएंगे उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे दही। तो दही मैंने यहाँ यूज़ किया है 1.5 कप। ये रेसिपी मैं एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, उन्होंने कहा था कि वो टमाटर नहीं खा सकती हैं, इसलिए जो है वो दही से मैं उनको कोई रेसिपी बनाना सिखा दूँ आलू की। तो मैंने यहाँ पर दही वाले आलू बनाए हैं, लेकिन अगर से आप लोग टमाटर खा सकते हैं कोई मसला नहीं है, तो इस रेसिपी के अंदर 2 टमाटर डाल लीजिएगा, फिर तो इस खाने का मज़ा बहुत ही ज़्यादा शानदार हो जाता है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा फिर खाकर। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने रिक्वेस्ट भी बनवाई थी क्योंकि, इसलिए मैंने यहाँ पर टमाटर नहीं डाले हैं, सिर्फ दही डाला है। और दही डालने के बाद जो है इसे हम इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसी के अंदर जो है वो मिक्स हो जाए, इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। और इसके बाद मैंने फ्लेम यहाँ पर स्टार्टिंग में भी यहाँ लो किया हुआ है, उसके बाद मैं हाई कर दूंगी। और हमें इतना दही को पकाना है कि दही की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, और जो कलर अभी वाइट वाइट हो रहा है और थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये इस तरीके का होकर लाल हो जाए, एकदम भुन जाए और तेल ऊपर आ जाए, इस तरीके का हमें भूनना है। तो थोड़ा थोड़ा हाथ मैं रोकती जा रही हूँ, बार बार मैं इसे भूनती जा रही हूँ, इसी तरीके से आपको भूनना है। अब मैं यहाँ पर सीन को कट कर रही हूँ, जब ये कम्प्लीट भुन जाएगा तभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। तो देखिए भुनते भुनते इसकी शक्ल कुछ इस तरीके की हो गई है, मसाला पूरा ऊपर आ गया है, ये अच्छी तरीके से भुन गया है। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे आलू जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। तो ये मैंने आलू डाल दिए हैं, और डाल के हम दोबारा से थोड़ा मिक्स करेंगे इसे। फ्लेम मैंने यहाँ पर दरमियाना ही रखा हुआ है इस वक्त, और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा भून लेंगे मसाले के अंदर ही। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी, हम मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद हम कवर कर देते हैं क्योंकि आलू उबले हुए हैं, इसलिए हम कवर कर रहे हैं इन्हें ताकि आलूओं के अंदर जो है मसालों की सबकी खुशबू आ जाए। तो ये मैंने कवर कर दिया है थोड़ी सी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए कवर कर दिया। उसके बाद जो है फ्लेम
लेकिन मैंने मीडियम ही रखा हुआ है, अभी मिक्स कर लिया है। उसके बाद डालूंगी अब मैं मज़ीद मसाले। तो इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून, ये पिसा हुआ गरम मसाला है। इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया 2 टेबल स्पून चॉप हुआ हुआ, और बिल्कुल लास्ट के अंदर हम डालेंगे कसूरी मेथी, यानी ड्राई मेथी है ये 1 टीस्पून। और इसे जो है सिर्फ स्पून से नहीं डालना है आपको, इसी तरीके से हाथ पे मसल के हम डालेंगे दोनों हाथ से, तो इसके जो कसूरी मेथी होता है इसका टेस्ट और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको डालनी है, और डालने के बाद जो है सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। तो ये देखें, अब हमारे दही वाले आलू बिल्कुल रेडी हो गए हैं सर्व करने के लिए। अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आप आइंदा भी ऐसी कोई की इजी रेसिपीज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।